नमस्कार दोस्तों, आप सभी के कैसे चल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे आप जियो सिम के यूजर हैं और अपना नंबर आप पोर्ट कराना चाहते हैं, मतलब दूसरे ऑपरेटर में जाना चाहते हैं, चाहे वोडाफोन या एयरटेल किसी भी ऑपरेटर में जाना चाहते हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि हम अपना सिम को कैसे पोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा आप अपने जियो सिम को किसी भी ऑपरेटर में कैसे पोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखिए मैसेज बॉक्स ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों फिर देखिए मैसेज बॉक्स ओपन हो गया है और नीचे देखिए ऑप्शन शो करा, देखिए पेंसिल का आइकन जैसा शो करा, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए ऊपर शो करा, देखिए कंपोज, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों फिर देखिए नए पेज ओपन, ऊपर देखिए ऑप्शन शो कर, देखिए न्यू मैसेज और देखिए शो कर, देखिए रिसिपिएंट, और यहाँ पे देखिए हम नंबर डाल देते हैं 1900। दोस्तों देखिए नीचे ऑप्शन, देखिए इंटर मैसेज, और यहाँ इंटर मैसेज पे हम यहाँ टाइप करेंगे, देखिए कैपिटल लेटर में पोर्ट, PORT पोर्ट स्पेस, और जो भी नंबर आप पोर्ट कराना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर इंटर कर दीजिए। दोस्तों फिर देखिए नीचे देखिए पोर्ट और स्पेस के बाद मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ सेंड पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों फिर देखिए वो मैसेज भेजने के बाद देखिए मैसेज का रिप्लाई आ गया है, और यहाँ देखिए योर UPC इज, और देखिए JEE, और देखिए कोड शो कर रहा है, और देखिए वैलिड शो कर रहा है, मतलब कौन सी डेट तक आपको इसको लेके जाना है। दोस्तों जिस भी आपको कंपनी में पोर्ट कराना हो, चाहे वोडाफोन या एयरटेल या आइडिया, जिस भी कंपनी में आप पोर्ट कराना चाहते हैं, उसके मिनी स्टोर या उसके रिटेलर के पास जाइए और अपना ID लेके और ये कोड लेके जाइए और ये सिम भी लेते जाइएगा, आपका नंबर उस कंपनी में पोर्ट कर देंगे। दोस्तों तो इसी तरह आप अपने जियो सिम को किसी भी ऑपरेटर में पोर्ट करा सकते हैं। दोस्तों इसको आप ऑनलाइन पोर्ट नहीं करा सकते हैं, पोर्ट आपको कराने के लिए आपको वहां रिटेलर या मिनी स्टोर वहां आपको संपर्क करना पड़ेगा। दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जो बताइए। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जो रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।